जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। ज्यादा ऊंचा मत उठ, कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रशांत किशोर की। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कई राज्यों में उन्हें बेहतरीन कामयाबी भी मिली है। दिल्ली में यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल की जीत के पीछे भी प्रशांत किशोर का हाथ है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर के लिए राजनीति केवल कारोबार है, क्या केवल बिजनेस है? पीके की सियासी समझ को जनता के हित में इस्तेमाल करने के मकसद से सीएम नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू से जोड़ा, लेकिन जल्द ही पीके पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने लगे। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में एनआरसी सीए पर पीके का विरोध सही है, या सिर्फ अपने बिजनेस के लिए प्रशांत किशोर इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीके के अब तक के सियासी सफर से यह साफ हो गया है कि वे राजनीतिज्ञ नहीं, कारोबारी हैं। तो पीके को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है और तमाम जो विरोधी हैं वो पीके पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। उस समय महागठबंधन बना था, वो गठबंधन सशक्त और मजबूत गठबंधन था, इसलिए उसका रिजल्ट आया। उसमें पीके की क्या भूमिका है? आम आदमी पार्टी को लोग आज से पांच महीना पहले से मालूम था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में परफॉर्म करेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत कोई ऐसा नॉन पॉलिटिकल आदमी का जा करके और पीके ने काम करके और उसको सरकार उसकी बनवा दी। अपने आप को ये बूझता क्या है, बिहार आके क्या करेगा? ये ब्रांडिंग कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्यों नहीं जीता? ये वहीं जाता है जहां जीतने वाला रहता है। इसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, ये लोगों को चीट करने वाला लोग है, और बिहार में इसको आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2015 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था उसमें माननीय प्रशांत किशोर जी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। दो ऐसे दलों के बीच गठबंधन उन्होंने तय किया था, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, सबने मिलकर चुनाव लड़ा था। और इस तरह अशोक चौधरी का जो बयान आता है जहां ये दिखाता है कि जनता दल यूनाइटेड यूज एंड थ्रो पॉलिसी में विश्वास करती है, प्रशांत किशोर जी की भूमिका को ही देखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा देने का काम किया था। भारत जलाओ पार्टी को बाहर करना है, ये लोकतंत्र को बचाना है, ये न हमारा मूल विषय है, बिहार को उसका हक और हकूक दिलाना है। अब उसमें कौन लोग क्या कर रहे हैं, ये इवेंट मैनेजर के लोग हैं, इनकी एक जो इनका अपना उद्देश्य है क्या है, ये पार्टी में थे, जिस पार्टी में वहां से निकाले गए, अब ये बताएंगे। अभी तो इस पर कोई चर्चा का हम लोगों के अंदर जो भी होगा तो हमारा पार्टी का नेतृत्व इस पर कोई निर्णय करे। तो प्रशांत किशोर पर तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आपने आपको सुनवाया। हमने इस वक्त बातचीत करने के लिए जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये सवाल तो बनता है कि क्या सियासत में विचारधारा पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो फिर पीके क्या कर रहे हैं? देखिए राजेश, विचारधारा की जहां तक बात करें, जो सूटेबल लगे, जो भाए या कहें कि जिससे वोट मिले, अब वही विचारधारा रह गई और उसी विचारधारा पर राजनीतिक दल चल रहे हैं। अगर पीके की हम बात करें, जिस तरह से हम लोगों ने बयान भी सुने, साफ तौर पे वो सीए, एनआरसी और सब चीजों को लिंक करते हैं, एनपीआर को लिंक करते रहे और लगातार केवल जो एक ट्विटर बॉय के रूप में ही काम करते रहे, कभी भी वो किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने। हालांकि वो लोगों को उकसाते रहे, ये कहें कि कांग्रेस को उकसाते रहे, उसके जो नेता हैं प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, तो साफ तौर पे है कि उनको कहते रहे कि आप लोग सड़क पे नहीं आ रहे हैं, आप लोग सड़क पे नहीं। लेकिन पीके इसके लिए कभी सड़क पे आए ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक हवा बनाते रहे। जो इवेंट मैनेजमेंट की बात होती वही वो करते रहे, और बिहार की ये जो स्थितियां हैं या कहें कि दिल्ली में जो जीत मिली उसके बाद भी उनको उनकी भूमिका को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आ रही कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया, क्योंकि वहां पे पहले से चीजें एक तरह से कहें तय थी और उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। और बिहार के लिए जहां तक स्थिति है, राजद ने लगभग अब स्थिति साफ कर दी है, एनडीए की स्थिति पहले से ही साफ है, तो यहां पे उनके लिए विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। अब जाहिर
जाहिर सी बात है कि एक विकल्प बचता है कि वो जो आम आदमी पार्टी उसको रिलॉन्च करें यहाँ पर, लेकिन उसको लेकर भी जो हमारे सूत्र कहते हैं ये कि उनकी बातचीत हुई थी, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं जो आम आदमी पार्टी को मंजूर नहीं है। आपको प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, लगातार सुर्खियों में है प्रशांत किशोर और ये कहा जा रहा है कि बिहार में उनकी जरूरत क्या है? नहीं, देखिए पीके की अगर कहे बात करेंगे तो उनकी चर्चा का विषय नीतीश कुमार के कारण आया, जब नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार जी के कारण जो है से वो चर्चा का विषय, नहीं तो पीके को कौन जानता था? और पीके कोई जो है राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पीके का कोई प्रभाव नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, कहीं कोई वजूद नहीं है, वो तो एक इवेंट मैनेजर है, वो पोस्टर लगाने का काम करते हैं, नारा गढ़ने का काम करते हैं, उसकी अपनी वो टीम है, उनका काम है, ये काम करते हैं जो ऐसे किसी के लिए चुनाव प्रचार करना उनका काम है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में उनका कोई प्रभाव है या कोई किसी के लिए रणनीति बना देंगे। जिस व्यक्ति का प्रभाव होगा उसके साथ वो जुड़ कर करके खुद जो है से उनके नारे को गढ़ने के उनको ब्रांडिंग करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन जनता पर बहुत असर डाल सकते हैं ये संभव नहीं है कि बिल्कुल कर सकते हैं। जी प्रेम रंजन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए थे, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात थी कि प्रशांत किशोर को लेकर ये तमाम बातें कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर राज्य राज्य घूमकर पार्टियों को जिताने का ठेका ले रहे हैं, क्या उनकी जरूरत अब उनके ही सूबे बिहार में नहीं रही? जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा।